हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस ने बाइक और मोबाइल चोरी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद शफी और मोहम्मद आजम खान बताया जा रहा है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी देते हुए कहा कि दोनों आरोपियों के पास से दो मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, जिनकी कीमत लगभग 1,25,000 रुपये बताई जा रही है। आपको बता दें कि खुफिया जानकारी के तहत इस सर्च ऑपरेशन को किया गया, जिसमें शमशाबाद के डीसीपी और राजेंद्र नगर के एसीपी शामिल थे। बताते चले, दोनों आरोपी पर कई चोरी के मामले पहले भी दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और कहा है कि पूछताछ के दौरान और भी कई नाम सामने आने की आशंका है। व्हीकल चेकिंग में दो आदमी को अरेस्ट करे, एक मोहम्मद शेफी अलियास गब्बू और एक मोहम्मद आजम खान, दोनों बहादुरपुरा एरिया वाला है। इनके पास से गाड़ी मिले, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, सस्पेंशन में पकड़ लिया तो वो गाड़ी मिला। वो गाड़ी को वेरीफाई करे तो उसका नाम पे नहीं, उसका सस्पेक्ट करे तो इंट्रागेशन का। दूसरा गाड़ी में घर के पास मिला, दो गाड़ी चोरी करे। इससे पहले हमारे पास पुलिस में केसेस हुआ दोनों का। दूसरा आजम खान का पास सेलफोन मिला, वो सब प्रीवियस, इससे पहले उसका IME हमारे पास चोरी का IME निकली। ये दोनों को आज सुबह अरेस्ट करे, उसका एक के साथ सेलफोन, एक के पास गब्बू के पास है दो मोटरसाइकिल रिकवर करके अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करा। इन्हें आज कुछ केसेस है क्या इनके ऊपर? इससे पहले केसेस नहीं हुआ, छोटा छोटा चोरी करते थे उसके। इन्हें गैंग है ना, इन्हें दोनों मिलकर इंडिविजुअल ऑफेंडर्स है।